नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट एकेडमी के एमपी डेली करंट अफेयर्स एमपी जीके के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे 23 जनवरी 2019 का मध्य प्रदेश प्रतिदिन समसामयिक की सामान्य ज्ञान। दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 23 जनवरी से अभी तक के हमारे वीडियो अपलोड नहीं हो पाए हैं, इसके लिए बहुत ही खेद है। हम जल्द ही एक दो दिन में सारे के सारे वीडियो अपलोड कर देंगे और इसकी पीडीएफ एवं एमसीक्यू प्रैक्टिस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों, जहाँ से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका आंसर आपको कमेंट के जरिए देना होता है। और इस वीडियो के माध्यम से हम दो भाग शामिल करते हैं, पहले भाग में एमपी डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और दूसरे भाग में एमपी जीके के क्वेश्चन शामिल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 23 जनवरी 2019 के एमपी डेली करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में ऑपरेशन शक्ति मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू हुआ है? ऑपरेशन शक्ति मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में प्रारंभ हुआ है, और मंदसौर जिले में जो प्रारंभ हुआ है वह महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान की दिशा में मंदसौर पुलिस द्वारा 22 जनवरी 2019 को विशेष अभियान ऑपरेशन शक्ति जिले में शुरू किया गया है। जबलपुर का केंद्रीय जेल किस महान हस्ती के नाम पर है? जो जबलपुर में केंद्रीय जेल है उसका नामांकन किस महान हस्ती के नाम पर है? यह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जबलपुर स्थित केंद्रीय जेल में 23 जनवरी 2019 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 123वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। मध्य प्रदेश का पहला गोकुल ग्राम किस जिले में खुलने जा रहा है? जो मध्य प्रदेश का पहला गोकुल ग्राम खुलने जा रहा है वो सागर जिले में खुलने जा रहा है, और यह सागर जिले के रतौना में खुलने जा रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में बनने जा रहे इस गोकुल ग्राम के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 500 एकड़ जमीन चिन्हित भी कर ली है। इसमें देसी भारतीय नस्ल की 600 गायों को रखा जाएगा। गोकुल ग्राम में निर्माण कार्यों पर लगभग 10 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे, और इसकी जो मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास नियम द्वारा यह गोकुल ग्राम खोला जा रहा है। आदिवासी लोक महोत्सव 2019 का शुभारंभ किस जिले में किया गया? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में आदिवासी लोक महोत्सव 2019 का शुभारंभ जो हुआ है वह उमरिया में हुआ है, और मध्य प्रदेश के जनजातीय एवं अध्रुमक्कड़ कल्याण मंत्री तथा उमरिया प्रभारी मंत्री ओमकार सिंह मारकाम ने 22 जनवरी 2019 को उमरिया जिले के आकाशकोट क्षेत्र स्थित ग्राम बिरहुलिया में आदिवासी लोक महोत्सव 2019 का शुभारंभ किया। जी हां, 10वीं अखिल भारतीय राजमाता सिंधिया स्वर्ण कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका वैसे आंसर हो जाएगा हमारा ग्वालियर, इसका ऑप्शन देना भूल गए। और नगर निगम ग्वालियर द्वारा आयोजित 10वीं अखिल भारतीय राजमाता सिंधिया स्वर्ण कप फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ 22 जनवरी 2019 को महापौर विवेक सेजवलकर द्वारा राजमाता सिंधिया स्वर्ण कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह मध्य प्रदेश में एकमात्र सिंधिया स्वर्ण कप फुटबॉल प्रतियोगिता होती है, वह ग्वालियर में होती है। लक्ष्मी बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन LNNIPE ग्वालियर के कुलपति कौन है? आपको बताना है कि जो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल इंस्टीट्यूट है एजुकेशन है, उसके जो कुलपति हैं वह दिलीप दुहेरा हैं, और हमारे सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया हैं, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भानोत हैं। अब बात करेंगे हम भाग दो के अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में राज्य लोड डिस्पैच सेंटर कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में राज्य लोड डिस्पैच सेंटर वह जबलपुर में स्थित है। स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर की ग्रिड अनुशासन के साथ सुचारू विद्युत आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी ये विद्युत आपूर्ति से संबंधित सेंटर है। और हमारे ऊर्जा मंत्री की बात करें तो मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह हैं। भारत की प्रथम जैविक खेती कहाँ स्थापित की गई है? जो भारत की प्रथम जैविक खेती स्थापित की गई है वह इंदौर में स्थापित की गई है, और इंदौर में आपको राजबाड़ा महल मिल जाएगा, अन्नपूर्णा मंदिर मिल जाएगा। अन्नपूर्णा मंदिर तो और जगह भी मिल सकता है, लेकिन अन्नपूर्णा मंदिर हमारे इंदौर में भी है। लाल बाग
ये पर्यटन स्थल है, केंद्रीय संग्रहालय इंदौर, कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय इंदौर में स्थित है। ग्वारी घाट कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि ग्वारी घाट कहाँ स्थित है। यह जबलपुर में स्थित है, जबलपुर में स्थित है। और ग्वारी घाट जबलपुर जिला मध्य प्रदेश में स्थित एक ग्राम है। यहाँ पर श्री रामलला हनुमान जी का सुप्रसिद्ध मंदिर है, जो अब एक तीर्थ स्थल का रूप ले चुका है। जबलपुर में पर्यटन स्थल की बात करें तो मुख्य रूप से संगमरमर पत्थर, भेड़ाघाट, शिव मूर्ति, 64 योनी मंदिर, मदन महल, बैलेंसिंग रॉक, पिसनहारी की मढ़िया, हनुमान ताल जैन मंदिर, ये सारे के सारे पर्यटन स्थल हैं। और पिसनहारी मढ़िया की बात करें, पिसनहारी की मढ़िया एक जाना माना दिगंबर जैन तीर्थ स्थल है। यह जैन मंदिर जबलपुर से अपने वास्तुशिल्प और सुंदरता के लिए जाना जाता है और शहर का एक मुख्य आकर्षण भी है। 1857 ईस्वी के वीर सेनानी तात्या टोपे के साथ किसने विश्वासघात किया था? जब वीर सेनानी तात्या टोपे 1857 की लड़ाई लड़ रहे थे तो मानसिंह नाम के एक व्यक्ति ने मतलब इन्हें विश्वासघात दिया था। और तात्या टोपे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से एक प्रमुख सेनानायक थे और इन्हें मध्य प्रदेश के सीपरी में 18 अप्रैल 1959 को तात्या टोपे को फांसी दी गई थी, यानी मृत्यु या फांसी हो गई थी। दोस्तों इसके बारे में कुछ, सीपरी में शहीद तात्या टोपे स्मारक भी स्थित है, सीपरी में शहीद तात्या टोपे भी स्मारक स्थित है। भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर भाग क्या कहलाता है? भू जो संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग जो कहलाता है वह मध्य उच्च प्रदेश कहलाता है, मध्य उच्च प्रदेश कहलाता है चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग। मध्य प्रदेश के रंगकर्मी बाबा डीगे का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के जो रंगकर्मी बाबा डीगे का जन्म हुआ था वह नीमच में हुआ था, और नीमच में 7 जून 1919 को जन्मे प्रसिद्ध रंगकर्मी बाबा डीगे 11 साल की उम्र में ही रंगकर्मी से जुड़ गए थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्होंने 1955 में भारतीय नाट्य संस्था की स्थापना कर रंगकर्म की प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। मध्य प्रदेश राज्य की 8वीं योजना का मुख्य लक्षित क्षेत्र कौन सा था? जो मध्य प्रदेश राज्य की 8वीं योजना का मुख्य लक्षित क्षेत्र था वह ग्रामीण विकास था, ग्रामीण विकास था 8वीं योजना का मुख्य लक्षित क्षेत्र। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1957 तक थी और मध्य प्रदेश योजना आयोग के अनुसार इस योजना का कुल व्यय का न्यूनतम 50% ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर होना था, इसलिए इसका मुख्य लक्षित क्षेत्र ग्रामीण विकास था। इस योजना में लगभग 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति SC ST Act के अंतर्गत आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधान सिर्फ उन दोषी व्यक्तियों पर लागू होंगे जो 18 वर्ष से कम होंगे। 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को ही मतलब जो उन्हें परिवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधान लागू होंगे। राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा से उपबंधित है? दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर कर दें, और जो वीडियो छूट गए हैं वो हम 1-2 दिन में ही सारे के सारे वीडियो अपलोड कर देंगे और PDF और MCQ प्रैक्टिस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिससे कि वहाँ से आप MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों तो हम फिलहाल इसका आंसर देख रहे थे, इसका आंसर जो था कि राज्य सरकार के सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा से उपबंधित है? यह है 10 का से संबंधित है, और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान 16 खा में है, मतलब जो नियम बनाने की शक्ति है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वह 16 खा में है, और सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति वह कौन से में है? 10 का में है। प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम प्रातत्विक साक्ष्य निम्नलिखित में स्थलों में से कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम प्रातत्विक साक्ष्य
मिला है भाई, एरन सागर में मिला है, एरन सागर में मिला है। 1960-61 में इस स्थल का उत्खनन सागर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी के निर्देशन में शुरू किया गया था। और जो एरन जो स्थल है वो बीना नदी से घिरा हुआ है। तो सती प्रथा का प्रचलन का प्रथम पुरातत्विक साक्ष्य में एरन सागर में मिला था। जी हाँ, अब बात करते हैं हम 22 जनवरी 2019 का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में कालका मंदिर मेला कहाँ लगता है, आपको बताना था। और इसका आंसर था धार में। धार में लगता है मध्य प्रदेश में कालका मंदिर मेला। त्रिवेणी का मेला रतलाम में, धर्मराज का मेला मंदसौर में, रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद में, कार्तिक का मेला उज्जैन में लगता है। तो ये जो मेले हैं वो लगते हैं। और बात करेंगे हम आज के क्वेश्चन की 23 जनवरी 2019 के, कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट का निर्माण कहाँ किया जाएगा, और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों, हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।